अपने आसपास की हर खबर से अपडेट रहने के लिए डाउनलोड कीजिए इंडियन टीवी न्यूज का एंड्रॉइड एप्लीकेशन, साथ ही विजिट करें हमारी साइट indiantvnews.in पर। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका इंडियन टीवी न्यूज पर, मैं हूं आपका दोस्त, नाम है जुनैद। प्रशांत सिंह सिसोदिया, ब्यूरो चीफ, जिला डिंडोरी, मध्य प्रदेश। डिंडोरी के वार्ड नंबर 1 में बेटियों का जज्बा, पिता के बीमारी के बाद बेटियां हाथ ठेले में, मनिहारी दुकान चला कर उठा रही हैं घर और स्कूल का खर्च, शासन प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। डिंडोरी के वार्ड नंबर 1 में एक परिवार की बेटियां मनिहारी दुकान चला कर घर का खर्च चलाने को मजबूर हैं। दरअसल 2 वर्ष पहले पिताजी की मानसिक हालत खराब होने के कारण घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई थी। पहले बेटियों के पिता मनिहारी दुकान चलाते थे, साथ ही फ्लावर डेकोरेशन का व्यवसाय करते थे, लेकिन 2 वर्षों से बेटियों के पिता की अचानक मानसिक रूप से बीमार हो जाने के कारण बेटियों का दुकान चलाना पड़ रहा है। घर में 4 बेटियां हैं जो सभी बेटियां पढ़ाई करते हैं, ऐसे में स्कूल की फीस और घर का खर्च चलाने वाला कोई नहीं है। माँ घरों में काम करने जाती है, समय मिलने पर घर का काम और पति की देखभाल भी करती हैं, ऐसे में बेटों की जिम्मेदारी ये बेटियां उठा रही हैं। हाथ ठेले में मनिहारी दुकान लगाकर मोहल्ले में आवाज़ लगाकर मनिहारी का सामान बेचते हैं। पीड़ित परिवार ने शासन प्रशासन से गुहार लगाते मदद किए जाने का गुहार लगा रही है, जिससे इनके पति का इलाज हो जाए और कर्ज के बोझ से मुक्ति पा सकें, जिससे 4 बेटियों को पढ़ा लिखा सकें। छोटे छोटे ठेले पे दुकान लगा के बेच रही है, ऐसी कौन सी परेशानी आ गई आपको? सर, हम लोग के घर खर्चे नहीं चलता, थोड़ा बहुत काम कर लेते होते हैं, खर्चे से निकल जाए। 4 बच्चे हैं खाने वाले, उनके बीमारी में लगती है पैसे। ये बीमारी कब से हो गई है? ये 1.5-2 साल होने लगी। क्या स्थिति, घर की स्थिति खराब हो गई इसके बाद? जी। तो बीमारी क्या है? अब नागपुर के डॉक्टर तो बोले कि दिन में लेगा, ऑपरेशन होगा। अब हम उतने पैसे कहाँ से पाए, 15-20 लाख रुपए बोल रहे हैं। तो डॉक्टरों ने क्या बताया, कौन सी बीमारी है? ये बोले हैं कि बचपना बीमारी है। बचपना बीमारी, उम्र की तासीर से बढ़ा है बीमारी बोले। तो घर का खर्चा कैसे चलाते हैं आप लोग? काम करके सर। कितनी बच्चियाँ हैं आपकी? 4। अभी तक कोई प्रशासन से कोई मदद वगैरह? क्या चाहते हैं आप? वार्ड नंबर 1 के पार्षद हैं। इनके पापा की तबीयत खराब हो जाने के कारण ये छोटे छोटे बच्चे अपनी मनिहारी की दुकान लेकर हमेशा घूमते रहते हैं। आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने के कारण ये बहुत परेशान है। शासन से ये अनुरोध है कि इनके खर्च उठाने की कृपा करें। मैं वार्ड नंबर 1 की सुखार की सदस्य हूँ। मेरे पिताजी का तबीयत खराब हो जाने के कारण हम ये छोटी मोटी मनिहारी के सामानों को बेचकर अपने घर की आर्थिक स्थिति को चलाते हैं। हमारी मम्मी काम करने जाती है। हमारे पापा को 2 साल से एक बीमारी हो गई है, जिसके कारण वो अपने धंधे और काम काज की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसी वजह से हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। इस वजह से हम मनिहारी के सामानों को बेचकर अपना घर का खर्चा चलाते हैं। बेटा, कितने भाई बहन हो आप लोग? हम 4 बहनें हैं। इसी तरह की हर छोटी बड़ी और अपने आसपास की खबरों को जानने के लिए और सदैव अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे यानी इंडियन टीवी न्यूज के साथ, और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया। इंडियन टीवी न्यूज पूरे देश में अपने रिपोर्टर्स नियुक्त कर रहा है। अभी हमारे साथ पूरे भारत में 200 से ज्यादा रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर रिपोर्टर के रूप में काम करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपना जिला और मोबाइल नंबर लिखिए, हम आपको कॉल कर सारी जानकारी देंगे, या फिर आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इंडियन टीवी न्यूज एक नेशनल डिजिटल न्यूज चैनल है, पूरे भारत में हमारे रिपोर्टर्स काम करते हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़िए और अपने आसपास फैले हुए भ्रष्टाचार को खत्म कीजिए और देश सेवा में हमारा साथ दीजिए।
धन्यवाद।